हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आ चुके हैं आप सबके लिए एक बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर। और दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होगी क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या टीम से जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है जो कि आप सबको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इसी वजह से आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक जो देखना है, वीडियो बता देते एक लाइक जरूर करना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन करो क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको वहां पर मिलता है, और गिवअवे में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों गिवअवे वाले वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से आप लोग पार्टिसिपेट कर लो। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली अपडेट आ रही है केकेआर के वाइस कप्तान नितेश राणा को लेके। और दोस्तों नितेश राणा को आपने पिछले मैच में देखा होगा कि उनको जो फिंगर में इंजरी हुई थी कैच लेते वक्त, तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि क्या नितेश राणा अगले मैच में खेलने के लिए अवेलेबल होंगे या फिर अगर वो नहीं होंगे तो उनके जगह पे केकेआर किन को खिलाएगी। तो मैं आपको अभी बता दूं कि जो केकेआर का लास्ट मैच था वो सैटरडे को था और जो नेक्स्ट मैच है वो फ्राइडे को, यानी कि टोटल से उनको 6 दिन मिलेंगे रिकवर होने में। और फिंगर इंजरी उतनी सीरियस नहीं होती और ऐसी कोई अपडेट भी नहीं आई है कि उनकी इंजरी सीरियस है, तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले मैच तक उनको काफी ज्यादा टाइम मिल गया रिकवर होने के लिए और अगले मैच में वो केकेआर के लिए खेलने के लिए काफी अच्छे से रेडी होंगे और अगले मैच में हम उनको खेलते हुए भी देख पाएंगे और उम्मीद करेंगे कि उनका अच्छा परफॉर्मेंस भी अगले मैच में आएगा। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों आ रही है केकेआर के तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा को लेकर। और दोस्तों दुष्मंता चमीरा को लेकर काफी अच्छी गुड न्यूज है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रखे होगा तो आपको वहां पर पता होगा, मैंने आपको अपडेट दे दिया है कि दुष्मंता चमीरा इंडिया पहुंच चुके हैं और अभी केकेआर टीम के साथ भी आपने उनको लास्ट मैच में देखा होगा जहां पे डगआउट में वो नजर भी आए थे। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि अभी दुष्मंता चमीरा इंजरी से पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, तो दोस्तों इसी वजह से अगर दुष्मंता चमीरा की जरूरत भी पड़ती है केकेआर को प्लेइंग 11 में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैंस थे जिनका ऐसा मानना था कि मिचेल स्टार्क का अच्छा मैच नहीं किया पिछला, तो उनको रिप्लेस करके केकेआर को चमीरा को खिलाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि दुष्मंता चमीरा भी मैच खेलने के लिए रेडी नहीं है, यानी कि आरसीबी के अगेंस्ट जो मैच होगा वहां पे अगर केकेआर चाहती भी है कि चमीरा को खिलाए तो वहां पे केकेआर उनको नहीं खिला सकती, वहां पे केकेआर को मिचेल स्टार्क को ही खिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मिचेल स्टार्क का भले एक मैच खराब गया है लेकिन इतने अच्छे प्लेयर है, इतने अच्छे फॉर्म में, इतने सालों से इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है, एक मैच उसे खराब गया लेकिन आने वाले मैचेस में केकेआर को बहुत सारे अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस करके देंगे और बहुत सारे मैचेस भी जिताएंगे। तो इसी वजह से चमीरा अभी मैच फिट नहीं है और अगले मैच में भी वो मैच खेलने के लिए रेडी नहीं होंगे। तीसरा मैच जो कि केकेआर का दिल्ली के अगेंस्ट है वहां पे चमीरा शायद से मैच फिट रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों आ रही है केकेआर की एक और खिलाड़ी मुजीबुर रहमान को लेके। और दोस्तों मुजीब को लेके अभी मैं आपको बता दूं कि कोई भी अपडेट नहीं आ रही है, मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उनको लेके बस एक ही अपडेट आया था कि गुरबाज और मुजीब दोनों केकेआर टीम को ज्वाइन करेंगे, लेकिन गुरबाज ने तो 19 मार्च को ही केकेआर टीम को ज्वाइन कर लिया। वहीं पर बात करते हैं मुजीब के बारे में, तो मुजीब को लेके एक भी अपडेट अभी तक नहीं आई, यानी कि मुजीब को लेके कोई अपडेट नहीं है। और दोस्तों इसके दो कारण हो सकते हैं मेरे हिसाब से, मुझे जैसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि मुजीब शायद से इंजर्ड है और इसी वजह से वो रिकवरी कर रहे हैं और जब वो रिकवर होंगे तब शायद से वो आईपीएल में आ जाएंगे, केकेआर टीम को ज्वाइन कर देंगे। या फिर दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि मुजीब शायद से अभी आईपीएल से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं, केकेआर उनके जगह पर रिप्लेसमेंट की तलाश कर रही है और जैसे ही केकेआर को रिप्लेसमेंट मिल जाता है वैसे ही केकेआर रिप्लेसमेंट का अनाउंस कर देगी और फिर मुजीब पूरी तरीके से रोल्ड आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों यही दो कारण हो सकते हैं जिस वजह से मुजीब अभी तक केकेआर टीम को ज्वाइन नहीं किए। तो आपको क्या लगता है, क्या मुजीब आईपीएल से बाहर होंगे या फिर क्या मुजीब कुछ दिनों के बाद केकेआर टीम को ज्वाइन करेंगे, वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी अगर रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है तो केकेआर किसको ले सकती है एज अ रिप्लेसमेंट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रही है केकेआर के ओपनिंग प्लेयर को लेकर। और दोस्तों बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल थे कि पिछले मैच में हमने सुनील नारायण को फिल शॉर्ट के साथ ओपन करते हुए देखा, तो क्या अगले मैच में सुनील नारायण ओपन नहीं करेंगे, क्या सुनील नारायण के जगह पे हम वेंकटेश अय्यर को ओपन करते हुए देख पाएंगे और सुनील नारायण फिर 8 या 9 नंबर पे खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों मैं आप सबको एक चीज बता दूं कि इसको लेके अगर आप क्लियर देखो तो गौतम गंभीर का हाथ, गौतम गंभीर को सुनील नारायण बहुत ज्यादा पसंद है, इसी वजह से उन्होंने सुनील नारायण से ओपन करवाया है। और इसका मैंने रीजन भी बताया था पिछले वीडियो में कि अगर सुनील नारायण ओपन करते हैं तो वेंकटेश अय्यर जो एक्सपोज होते हैं नए बॉल के साथ, नए बॉल खेलने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसका जो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो इसी वजह से सुनील नारायण ओपन कर रहे हैं और वहां पे ज्यादा बॉल भी वेस्ट नहीं करते। अगर अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, थोड़े से रन बना देते हैं, पावर प्ले में 3-4 ओवर निकाल देते हैं, तो उसके बाद काफी अच्छा केकेआर के लिए हो जाता है। और मैं आप सबको एक चीज और बता दूं कि अगर गौतम गंभीर ने ये डिसीजन लिया है कि उनको ओपन कराना है तो दोस्तों हम लोग 2-3 मैचेस और उनको जोशे देखेंगे ओपन करते हुए, और अगर 2-3 और मैचेस में उनका परफॉर्मेंस नहीं आता है तब हम शायद से सुनील नारायण की जगह पे किसी और को ओपन करते हुए देख पाएंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगले मैच में भी फिल शॉर्ट और सुनील नारायण ही ओपन करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया
है तो जल्दी से ज्वाइन करो क्योंकि बहुत सारी अपडेट वहाँ पे आती रहती है आप सबके लिए। और जल्दी से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट नहीं किया तो जल्दी से कर लो।